देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN / 2010 / 33915। नगर निकाय चुनावों के लिए वार्डों का हुआ आरक्षण। धौलपुर जिले में नगर निकायों की आगामी चुनाव के लिए 140 वार्डों में से नगर परिषद धौलपुर के 60, नगर पालिका रायाखेड़ा के 35 एवं बाड़ी के 45 वार्डों के आरक्षण के लिए धौलपुर निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मेला मैदान धौलपुर स्थित नगर परिषद के ऑडिटोरियम में लॉटरी द्वारा वार्डों का आरक्षण किया। धौलपुर नगर परिषद में वार्ड नंबर 3, 18, 25, 27, 28, 39 एवं 40 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड नंबर 31, 34 एवं 47 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड नंबर 4, 6, 11, 15, 16, 20, 22, 30 एवं 44 आरक्षित रहेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए वार्ड नंबर 9, 14, 43 एवं 59 आरक्षित रखे गए हैं। वार्ड संख्या 2, 8, 12, 21, 29, 32, 37, 40, 50, 53, 55 एवं 56 सामान्य महिला के लिए आरक्षित रखे गए हैं। धौलपुर नगर परिषद में वार्ड संख्या 1, 5, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 57, 58 एवं 60 अनारक्षित रहेंगे। वाड़ी नगर पालिका में वार्ड संख्या 1, 19, 24, 28, 34 एवं 40 अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड संख्या 8, 37 एवं 39 अनुसूचित जाति महिला के लिए, वार्ड संख्या 12 अनुसूचित जनजाति के लिए, वार्ड संख्या 4, 13, 16, 21, 26 एवं 27 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए व वार्ड संख्या 14, 23 व 35 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। वार्ड संख्या 6, 11, 20, 22, 25, 30, 32, 33 एवं 45 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। वार्ड संख्या 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 29, 31, 36, 38, 41, 42, 43 एवं 44 अनारक्षित रहेंगे। रायाखेड़ा नगर पालिका में वार्ड संख्या 3, 8, 12, 25 एवं 29 अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड संख्या 2 एवं 16 अनुसूचित जाति महिला के लिए, वार्ड संख्या 5, 9, 13, 15 एवं 22 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, वार्ड संख्या 7 एवं 24 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, वार्ड संख्या 11, 14, 19, 20, 23, 31 एवं 34 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। वार्ड संख्या 1, 4, 6, 10, 17, 18, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33 एवं 35 अनारक्षित रखे गए हैं। लॉटरी निकालकर आरक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा, उपखंड अधिकारी धौलपुर धीरेन्द्र सिंह, वाड़ी राधेश्याम मीणा, रायाखेड़ा ब्रजेश कुमार, वसीड़ी अनुज भारद्वाज, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साकेत प्यारी शर्मा, भाजपा के धीर। टूरिस्ट गाड़ी व ट्रक में भिड़ंत, 13 श्रद्धालु घायल। धौलपुर शहर के नजदीक NH3 पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास आज अल सुबह यात्रियों से भरी हुई टूरिस्ट गाड़ी और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें टूरिस्ट गाड़ी में सवार 13 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घटना की सूचना के बाद सागरपाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां से 5 लोगों को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए सागरपाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी होतम सिंह ने बताया कि यात्रियों से भरी हुई एक टूरिस्ट गाड़ी मध्य प्रदेश से गुना से उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रही थी, जिसकी अल सुबह अचानक सामने जा रहे एक ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें जीप सवार 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। घटना का कारण प्रथम दृष्टया टूरिस्ट गाड़ी के चालक को नींद आ जाना माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। गुना के कहाँ जा रहे थे? ट्रक वाले कितने लोग थे गाड़ी में? 13 लोग थे। 13 में से घायल है।
एक श्रद्धालुओं की गाड़ी तूफान सवारी गाड़ी गुना की तरफ से और ये गिरिराज जी की ओर परिक्रमा के लिए देने जा रहे थे, तो सागरपाड़ा चौकी और आरटीओ चेक पोस्ट के बीच में किसी ट्रक से टकरा गई, तो उसमें करीब 15 लोग घायल हो गए। तालाब में डूबने से एक बालक की मौत, एक को बचाया। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके के सरमथरा रोड पर स्थित सोनीपुर गांव के तालाब में डूबने से आज एक बालक की मौत हो गई, वहीं दूसरे बालक को ग्रामीणों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। घटना के बाद मृतक बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वाड़ी के सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि आज दिन में करीब 12 बजे सोनीपुर गांव का एक 18 वर्षीय बालक अजय कुमार पुत्र केशव राम मीणा और उसका साथी युवराज एक ट्यूब के सहारे तालाब को पार कर अपने खेत पर इंजन चलाने गए। वहां से जब वापस लौटे तो असंतुलित होकर तालाब में गिर गए। इसके बाद ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी हुई तो ग्रामीणों ने एक बालक युवराज को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन अजय कुमार पुत्र केशव मीणा की पानी में डूबने से मौत हो गई। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व अन्य ने गवाहों को धमकाया, मुकदमा दर्ज। धौलपुर शहर से सटी ग्राम पंचायत तगाबली की सरपंच माया देवी के नेतृत्व में आज तगाबली गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल व एसपी केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा व उनके पुत्र आशीष लोधा सहित अन्य लोगों पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर व एसपी से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 23 नवंबर 2019 को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा और उनके परिजन गोकुल महेंद्र आशीष पदम सिंह ओमकार सहित अन्य ने मिलकर लाठियों से पीट पीट कर बाबूलाल की हत्या कर दी थी, जिसका आपराधिक मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में दो आरोपी आशीष और बांकेलाल के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश हो चुका है तथा चार आरोपी पदम सिंह महेंद्र लोकमन और राजवीर की पुलिस अभी गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। फिलहाल आरोपी बांकेलाल व आशीष जमानत पर चल रहे हैं, जिन्होंने 12 अक्टूबर 2020 की शाम को रवि पुत्र गोपाल और केस के गवाह ओम प्रकाश कोहली के पुत्र मुरारी को अपनी सफारी गाड़ी से जान से मारने का प्रयास किया तथा मारपीट की। इस संबंध में थाना कोतवाली धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं एवं आशीष की हिस्ट्री सीटरी कोतवाली पुलिस द्वारा खोली गई है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि आरोपी मेरे परिजनों एवं ओम प्रकाश कोहली के परिजनों के साथ कभी भी कोई गंभीर वारदात कर सकते हैं तथा बांकेलाल लोधा गांव में कभी भी कोई दंगा फसाद कर सकता है। ज्ञापन कलेक्टर और एसपी से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में माया, सरपंच प्रतिनिधि महेश ठाकुर, लीलाधर, ओम प्रकाश, राजू आदि शामिल है। कल शाम 6 बजे मेरे परिवारजन रवि और ओम प्रकाश जी के लड़के मुरारी को बांकेलाल व आशीष पदम सिंह महेंद्र इन लोगों ने सफारी गाड़ी से मारने की कोशिश करी। इनको सफारी गाड़ी चढ़ाई इनके ऊपर इनकी मोटरसाइकिल तोड़ दी और इनको इनके चोटें आई हैं। इसका मुकदमा शाम को थाना कोतवाली पर दर्ज कराया गया। उक्त लोगों ने पहले भी मेरे भाई बाबूलाल की हत्या कर दी थी, जिसमें बांकेलाल और आशीष की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है। चार मुलजिम इसमें सीओ साहब ने जो माने थे वो आशीष महेंद्र पदम सिंह फरार चल रहे हैं। ये लोग कभी भी हमारे परिवारजनों के साथ ओम प्रकाश जी के साथ गंभीर वारदात कारित कर सकते हैं, उनको जान से मार सकते हैं और संभावना ये बननी है गाँव में ये लोग समुदायों में दंगा फसाद कराने के फिराक में हैं। मैं माननीय एसपी साहब से ये निवेदन करने आया हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए गांव में होने वाले संभावित दंगे को रोकने की कार्रवाई करें। धन्यवाद। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, पीजीडीसीए, एमबीए, एमसीए में प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ एसी कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप एवं प्रयोगशाला। एसएन आईटीआई में भी प्रवेश प्रारंभ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। पता आम के बाग के पास बाड़ी रोड, सरकारी आईटीआई वाला रोड, धौलपुर। एसएन आईटीआई चुंगी चौकी के पास धौलपुर बाड़ी रोड एवं एसआर आईटीआई कंचनपुर में भी प्रवेश प्रारंभ। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश, शीघ्र संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर
अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व थ्री व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं। एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास नायला वालों का मकान धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर लगाया घोटाले का आरोप। धौलपुर जिले की सैंपू तहसील की ग्राम पंचायत दोनारी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राशन डीलर पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि राशन डीलर प्रत्येक राशन उपभोक्ता को 5 किलो के हिसाब से गेहूं दे रहा है। जब हमने राशन डीलर से अन्य ग्राम पंचायतों में 10 किलो गेहूं मिलने की बात कही तो राशन डीलर ने कहा कि मेरे पास तो 5 किलो के हिसाब से गेहूं आया है। जब ऑनलाइन चेक किया तो 10 किलो के हिसाब से गेहूं बांटना पाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब इस बात को लेकर राशन डीलर से कहा सुनी की तो वह लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में भरत सिंह, दाताराम, पप्पू सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर साहब में निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव के लोग जो जाते हैं नगला तलैया के, उनसे मतलब गैर खरीद बोलता है, बोलने के बाद और काट लगाते हैं तो करके ले जा काट को घर को, इतने गेहूँ देंगे हम आधे देंगे, आप लेना है तो लो, कार्रवाई करो। कार्रवाई करने के बाद फिर कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं, ड्रगे माए घर वालों से कहते हैं, घर वाले जाते हैं तो भी कैसे कहते हैं, यार गंदी आ गया, वो नहीं आ गया, कल मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये बहुत मक्कारी कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इसका जो नष्ट की जाए इसका डीलरी। नाम क्या आपका? रन सिंह। मेरा नाम द्वारका प्रसाद है, नंगला तलैया दोनारी का रहने वाला हूँ। दिनेश और ओमकार डीलर हमको गेहूँ लेने जाते हैं, पहले तो वो 5 किलो की जगह 10 किलो की जगह 5 किलो देता है और मारपीट पे उतारू हो जाता है, लेने तो आज ले जाओ, नहीं मत ले जाओ, और एक दिन ही बांटता है, और वो भी लेने हैं तो ले जाओ, नहीं मत ले जाओ। अब भी सारे गेहूँ आधे दिए हैं और उसमें पर्ची पूरी निकाली है, चढ़ाई आधे आधे है, सारे रिकॉर्ड है, दो किलो की जगह पे। हमारी कार्रवाई साहब से निवेदन है। युवाओं ने मनाया खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला एथलेटिक संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष जयवीर पोसवाल के नेतृत्व में आज राजस्थान के खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में धौलपुर यातायात प्रभारी परमजीत गुर्जर को मास्क व सैनिटाइजर भेंट किया। साथ ही शहर के विभिन्न चौराहों पर राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर एथलेटिक्स संघ धौलपुर के जिलाध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने मंत्री अशोक चांदना को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का निर्णय एवं 58 विभागों में 2 प्रसिद्ध खिलाड़ियों के लिए नौकरी में आरक्षण देने का जो प्रस्ताव राज्य में लागू किया है वह खेल मंत्री का सराहनीय कदम है। निश्चित ही इससे राज्य के खिलाड़ियों को भविष्य में रोजगार के साथ साथ खेलों के प्रति उनकी लगन व मेहनत की ओर अग्रसर रहोगे। बेसबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप अस्ताना ने कहा कि खेल मंत्री के इस निर्णय से पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है, खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया है। इस अवसर पर जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव सुरेंद्र गुर्जर, बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश सचिव सत्यवान बैसला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिला प्रवक्ता मंडलेश्वर गुर्जर, पूर्व प्रदेश सचिव युवा गुर्जर महासभा संजय कंसाना, राजकुमार त्यागी, शगीर छाबनी, विजय त्यागी आदि मौजूद रहे। गुर्जर महासभा ने मनाया खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर द्वारा आज खेल राज्य मंत्री राजस्थान सरकार अशोक चांदना का 35वां जन्मदिन जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर राजकीय सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में फल वितरण किया गया। जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने बताया कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर के द्वारा उनका जन्मदिन हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण कर मनाया गया। अशोक चांदना ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए युवाओं को अपने साथ जोड़कर काम किया।
अपने जीवन में आम आदमी व शोषित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। वे बचपन से समाज सेवी रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2013 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर हिंडौली से विधायक का चुनाव जीत कर की और बाद में वो प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तथा 2018 में पुनः हिंडौली से विधायक बनकर राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री बने। उन्होंने गुर्जरों के साथ साथ अन्य समाजों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस अवसर पर एकीकृत महासंघ के जिला अध्यक्ष चंद्रवान चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज कंसाना, जिला महामंत्री लवकुश गुर्जर, चोल सिंह जाट, जितेंद्र कुमार, विजय गोस्वामी, मनोज माबई, प्रेम सिंह कंसाना, दारा सिंह गुर्जर, अभिषेक गुरैया, व्रजराज रांडोली, कृष्णा बिदूड़ी, देवेंद्र उलावटी, अमन पहलवान, रघुराज गुरैया, चरण सिंह आदि मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस ने मनाया खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन। युवा एवं खेल मालमात्र राज्य मंत्री राजस्थान सरकार अशोक चांदना के जन्म दिवस के अवसर पर आज यूथ कांग्रेस धौलपुर के विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने शहर में गरीब श्रमिकों को अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन करवाया। साथ ही बिना मास्क पहने बाजार में घूमते हुए राहगीरों को रोककर उन्हें मास्क का महत्व बताते हुए मास्क वितरण किया। तत्पश्चात गाड़ियों लोहारों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण कर अचलेश्वर महादेव पर पूजा अर्चना कर राज्य मंत्री अशोक चांदना की दीर्घायु की कामना की। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि अशोक चांदना युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं एवं मिलनसार व्यक्तित्व के कारण युवाओं का उनके प्रति झुकाव देखने लायक है। हिंडौली विधायक अशोक चांदना का धौलपुर जिले से विशेष लगाव रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अमित मुदगल, खेल प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जीतू कंसाना, एनएसयू जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, नफीस खान, विशाल राजपूत, योगेंद्र कुमार शर्मा, गौरव बघेला, अंचित तिवारी आदि मौजूद रहे। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर, जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503, 9165741677। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं। सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा, पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। ABBP ने SDM से की बैंक प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़ी के द्वारा आज उप जिला कलेक्टर बाड़ी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बैंक प्रबंधन पर लापरवाही एवं ऑडियल रवैये का आरोप लगाया है। जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि ABBP बाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्टेट बैंक शाखा बाड़ी की खराब कार्यशैली को लेकर पूर्व में भी शिकायत की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से अभी तक बैंक की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है। जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार एवं काजल जाट ने बताया कि अब बैंक के कर्मचारियों द्वारा सैनिक विधवाओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को देखने को मिला है। नगर मंत्री राहुल कौशल व ओमवीर अंदाना ने बताया कि बैंक कर्मचारियों द्वारा खाताधारकों से रूखा व्यवहार किया जाता है। ज्ञापन में बैंक प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि बैंक प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। ज्ञापन देने वालों में लल्ली परमार, मुरारी मीणा, शुभम परमार, काजल जाट, उमाशंकर सेन, हेमंत कुमार, विवेक लक्ष्मण, धारा, अरविंद प्रजापति, हर्षित, सुनील, सचिन दिवाकर आदि शामिल हैं। बाड़ी शाखा के द्वारा अपद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विद्यार्थी अपनी वजीफा का फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर कनेक्ट करना चाहता है, उनको पेंडिंग में काम ना करने के कारण पेंडिंग में डाला जाता है, और जो पेंशन धारक है, वृद्ध लोग, उनको भी परेशान किया जाता है। यहाँ से 30-40 किलोमीटर से दूर होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अग्रोहा शक्ति पीठ में बनेगा आदि महालक्ष्मी का विशाल मंदिर।
मंदिर निर्माण के संबंध में जयपुर में बैठक आयोजित। अग्रवाल समाज के पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग सहित राष्ट्रीय मंत्री प्रेम मंगल ने जयपुर में प्रदेश मंत्री दिनेश मित्तल के कार्यालय पर अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों और समाज के भामाशाहों की बैठक ली, जिसमें अग्रोहा शक्ति पीठ में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले विशाल ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। प्रेम मंगल राष्ट्रीय मंत्री ने मंदिर निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में 10 करोड़ अग्रवाल परिवारों के बंधुओं के सहयोग से सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने, समाज को अग्रोहा शक्ति पीठ से जोड़ने के उद्देश्य से पूर्वी राजस्थान प्रदेश में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अग्रोहा शक्ति पीठ में निर्मित होने वाले आदि महालक्ष्मी मंदिर में 1 रुपया 1 ईंट का सहयोग दें। इस संबंध में धौलपुर जिले के जयपुर में निवास कर रहे उद्योगपतियों ने 220 हुंडियों का सहयोग दिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रेम मंगल राष्ट्रीय मंत्री दिनेश मित्तल, प्रदेश मंत्री मुकेश गर्ग, राजकुमार सिंगल एक्सीएन, मुन्नालाल मंगलवाड़ी आदि मौजूद रहे। नवनिर्वाचित सरपंचों का किया स्वागत समारोह। सैपऊ इलाके की ग्राम पंचायत छीतापुरा में लोधा समाज द्वारा सैपऊ पंचायत समिति क्षेत्र के समाज के सभी सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व लोधा महासभा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमसिंह लोधा रहे, जिन्होंने सभी नवनिर्वाचित सरपंचों एवं गांववासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरपंच अपनी ग्राम पंचायत के प्रबुद्ध लोगों को साथ लेकर विकास की योजना बनाएं और क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कराएं। वहीं ग्राम पंचायत के लोग सरपंच का विकास कार्य में सहयोग करें। सभी सरपंचगण सरकारी कोष का ईमानदारी से खर्च करें एवं गरीब एवं असहायों की मदद करें व क्षेत्र में शांति बनाए रखें। इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सरपंचों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। पिताजी मेरे 15 साल सरपंच रहे हुए थे, 3-4 इलेक्शन जिला परिषद का भी मैं खुद जीत चुका हूँ। बंधुओं, इलेक्शन के बाद जो प्रत्याशी जीता हुआ होता है उसको कितनी परेशानी आती है। शायद जो नए सरपंच जीते हैं उनको इन 5 सालों में अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। एबीवीपी ने की कॉलेज में सीट बढ़वाने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में सीट बढ़वाने की मांग की है। नगर मंत्री सत्यम गुप्ता ने बताया कि महाविद्यालय में शुरुआत से ही 200 सीट हैं, जो कि वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है। महाविद्यालय में 300 से 400 सीट होनी चाहिए। छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने बताया कि महाविद्यालय में सीट कम होने के कारण बहुत से छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल सका है, ऐसे में वे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमेर सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि विद्यार्थी परिषद की मांग को पूरा नहीं किया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में नगर सह मंत्री सोनू ठाकुर, कार्यालय मंत्री आकाश गुप्ता, नगर मंत्री सत्यम गुप्ता, नगर सह मंत्री सिकंदर वर्मा, सचिन परमार, रूपेश राघव, हरिशंकर, साबिर अली आदि कार्यकर्ता शामिल हैं। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।